बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज हम 10.1 कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर तक हम 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आएंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी एंगल्स, ठीक है, आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो एक ट्राइंगल जिसका नाम ए बी सी है, ठीक है, उसके एंगल्स हैं। एक ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं ना, तो अल्फ़ा बीटा गैमा वही तीन एंगल्स हमने सपोज कर लिए। तो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, देन प्रूव दैट। तो इसमें हमें कुछ प्रूव करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। चार इसके पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट में हमने कुछ ना कुछ प्रूव करना है। तो पहला पार्ट क्या है वो हम देखते हैं। पहला पार्ट है, हमने जिसे प्रूव करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन गैमा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो हम जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गैमा हमें पता है कि तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के, और हमेशा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होता है। तो हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अब यहाँ पर आप देखें, लेफ़्ट साइड पे सिर्फ अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, राइट साइड पे आके गैमा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो गैमा को हम राइट साइड पे ले जाते हैं और अल्फ़ा बीटा को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा, ठीक है। और इसका भी मैं आपको बताते चलूँ कि ये 180 किस तरह से होता है कि आप कोई सी भी एक ट्राइंगल ले लें। तो लेट्स सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, तो ये 90 डिग्रीज़ का है, ठीक है। तो बाकी ये जो एंगल्स होंगे, लेट्स सपोज अगर ये 30 का है तो ये फिर 60 का होगा, ठीक है। तो टोटल एंगल्स का सम जो है, इन तीनों एंगल्स का सम वो 180 होता है। आप बेशक कोई सी भी ट्राइंगल ले लें, उनके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक ट्राइंगल का एंगल्स का सम जो है वो 180 रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने जो प्रूव करना है उस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा लेफ्ट साइड पे हैं, गैमा राइट साइड पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस जो इक्वेशन ख़ुद से लिखी है उसके लेफ्ट साइड पे मैंने अल्फ़ा और बीटा को रहने दिया, और गैमा जो था लेफ़्ट साइड पे उसको राइट साइड पे मैं ले आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखें, अब जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है, उसको आप अगर देखें तो अल्फ़ा बीटा के साथ साइन है, साइन ऑफ दैट अल्फ़ा बीटा है, और राइट साइड पे भी साइन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन जो हमने ख़ुद से बनाई है उसको उसके दोनों साइड्स पे हम साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस गैमा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारी, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट साइड आप देखें तो ये साइन ऑफ 180 माइनस गैमा है, जबकि हमने जो प्रूव करना है वहाँ पर सिर्फ साइन ऑफ गैमा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस गैमा, या साइन ऑफ, इसको हम कह देते हैं साइन ऑफ 180 को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं रेडियन में, ठीक है, पाई माइनस गेमा। तो पाई माइनस गेमा, पाई माइनस थीटा या पाई माइनस कोई भी एंगल हो तो वो किसके इक्वल होता है, यानी कि साइन ऑफ पाई माइनस एंगल इक्वल होता है साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ गेमा। लेफ्ट साइड उसी तरह से आ जाएगी, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और राइट साइड पे हमने उसको जो है सॉल्व करके लिख दिया, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस एंगल या पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो गैमा है।
तो यहाँ से हम हमने प्रूव कर लिया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन ऑफ गैमा होता है अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा तीन एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई टू, ठीक है। ये भी हमने प्रूव करना है, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज़, वही सपोजिशन, वही इक्वेशन पहले लेंगे कि क्वेश्चन तो वही है ना कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं तीनों, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ है। अब क्वेश्चन इक्वेशन आप देखें जिसको हमने प्रूव करना है, तो अल्फ़ा बीटा लेफ़्ट साइड पे है, गैमा राइट साइड पे है। तो इस केस में भी हम इस गैमा को राइट साइड पे ले जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे है, तो कॉस लिया हुआ है इसका, और उससे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को 2 से डिवाइड किया हुआ है, और राइट साइड पे भी गैमा को 2 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड्स पे 2 से, ठीक है। दोनों साइड्स में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हमने क्योंकि ये इक्वेशन जो है प्रूव करनी है, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। उसके बाद कॉस लिया हुआ है दोनों साइड्स पे, ठीक है, दोनों साइड्स पे तो नहीं, लेफ्ट साइड पे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे कॉस ले लेंगे, ठीक है। कॉस क्यों लेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कॉस है, लेकिन हमें राइट साइड पे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में ये होता है कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करते हैं वही ऑपरेशन आप राइट साइड पे परफॉर्म करना होता है आपने, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉस ले लेता हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 180 माइनस गामा डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, लेफ्ट साइड तो बन चुकी है लेकिन राइट साइड नहीं बनी अभी, क्योंकि राइट साइड क्या है जिसको हमने प्रूव करना है, साइन ऑफ गैमा बाई टू, जबकि यहाँ पर क्या है, कॉज ऑफ 180 माइनस गैमा बाई टू। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें 180 डिवाइडेड बाई टू क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि टू जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको मैं अलहदा अलहदा करके लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, और राइट साइड पे हो गया ये, ठीक है। तो अब ये देखें 180 डिवाइडेड बाई टू 90 हो जाएगा, माइनस गैमा बाई टू, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते ना, तो इसको हम गैमा बाई टू ही रहने देते हैं। और साथ में क्या है, कॉस, और लेफ्ट साइड उसी तरह से कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होता है, या फिर आप 90 को रेडियन में लिखना चाहें तो पाई बाय टू माइनस गैमा बाय टू है, ठीक है। तो कॉज ऑफ पाई बाय टू माइनस एंगल किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कॉज ऑफ एंगल के, बल्कि कॉज जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पाई बाय टू अगर हो या पाई बाय टू का मल्टीपल हो, ठीक है, तो कॉस ऑफ हो या साइन हो तो वो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पाई बाय टू के मल्टीपल हो तो उसमें आप अब इसको साइन लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस को। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ गैमा बाय टू, और लेफ्ट साइड उसी तरह से कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू। तो ये वो इक्वेशन आप देखें जो आप प्रूव करना चाह रहे थे वो बन चुकी है ना उसी तरह से, बिल्कुल, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई टू। हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन को लेकर चले, कि हमें बताया हुआ था कि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीन एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, तो हमने उसको लिख लिया क्योंकि ये एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम इज़ इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। वो इक्वेशन मैंने लिखी, वो प्रॉपर्टी उस ट्राइंगल की लिखी मैंने, उसके बाद हमने उसके मुताबिक जो स्टेप्स लेना शुरू किए ताकि हम वो इक्वेशन प्रूव कर सकें जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है।
ठीक है, तो ये हमारे पास दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं अब। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। ठीक है, राइट साइड पे है माइनस कॉस गैमा। अब ये भी उस तरह से है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से हम बनाते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें आप, लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो गैमा है उसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं। ये बन जाएगा 180 माइनस गैमा। अब आप देखें इसको इक्वेशन में, जो हमने प्रूव करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ कॉज है, ठीक है, कॉज लिया हुआ है उसका, तो हम भी यहाँ पर कॉज ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ 180 माइनस गामा। अब यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड तो बन चुकी है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन राइट साइड नहीं है बनी, ठीक है। जब जो हमने प्रूव करनी है इक्वेशन, उसमें माइनस कॉस ऑफ गैमा है राइट साइड पे, और जो हम इक्वेशन लेकर चले हैं उसकी राइट साइड पे कॉस ऑफ 180 माइनस गैमा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखें आपने पढ़ा होगा इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा या कॉस ऑफ पाई माइनस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉज ऑफ एंगल के, ठीक है, या माइनस कॉज ऑफ थीटा के। तो इस केस में थीटा जो है वो गैमा है, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस कॉज ऑफ गैमा, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। आप अगर वो इक्वेशन देखें जो हमने प्रूव करनी थी, वही बिल्कुल इक्वेशन आ चुकी है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ गैमा। अच्छा, ये हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया, अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, ठीक है, और पार्ट नंबर है 4। इस पार्ट में हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है? हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का टैन लिया गया है, तो यहाँ पर भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर रहने देते हैं और गामा को हम राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 180 माइनस गामा। और इसका टेंजेंट लिया गया है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे टेंजेंट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 माइनस गैमा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें तो क्या हमारी ये इक्वेशन बन चुकी है? नहीं बनी, ठीक है। तो आप देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके अलावा उसमें टेंजेंट ऑफ गैमा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड्स पे टेंजेंट ऑफ गामा भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़ इक्वेशन में, लेकिन दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 माइनस गामा, ये जो पहले से मौजूद है, और इसमें ऐड करेंगे हम टेंजेंट ऑफ गामा, ठीक है। तो अब यहाँ से लेफ्ट साइड तो बन चुकी है हमारी, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 माइनस गामा, या फिर इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गामा, ठीक है, प्लस टेंजेंट ऑफ गामा। तो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गामा किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है माइनस
टेंजेंट ऑफ गामा के, यानी कि टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा या पाई माइनस एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है माइनस टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, गामा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टेंजेंट ऑफ गामा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा पहले से मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और लेफ्ट साइड उसी तरह से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड तो बन चुकी है, राइट साइड को आप देखें एक टर्म जो है वो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर राइट साइड जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, और लेफ्ट साइड उसी तरह से हम लिख लेते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी थी, वो हम बना चुके हैं, ठीक है। वही प्रॉपर्टी के सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लेकर चले थे, उसमें हम यानी कि स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजिंग करते हैं, सिंप्लीफाई उसको करते हैं, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन प्रूव कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा एंड होता है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 भी यहाँ पर एंड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, और फिर वो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे।